हमारा 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, वहां पर भी हमारे पास एक चैप्टर पॉलिनोमियल था, बट वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे का पार्ट पढ़ेंगे। 9th क्लास में जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें ज्यादातर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल था जो हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या है और कितने तरह का होता है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन होता है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल अलजेब्रिक पावर ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल को आइडेंटिफाई करिए, वेरिएबल x है और x का पावर 2 और 1 है। यदि मैं कहता हूँ 3x³ - x, ये एक पॉलिनोमियल है। यदि मैं कहता हूँ y² + 2y+1, ये एक पॉलिनोमियल है। यदि मैं कहता हूँ √3y² + 2y, ये एक पॉलिनोमियल है। यदि मैं कहता हूँ z³ - √2z² + z - 3, एक पॉलिनोमियल है। दीज आर द पॉलिनोमियल। हालांकि 10th क्लास में जितने पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, ये वन वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। 9th क्लास हमने 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल भी पढ़ा था। नेक्स्ट, यदि मैं कहता हूँ कि 3x² + 1/x + 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये 1/x है, दिस इज कॉल्ड x⁻¹। 1/x को क्या लिख सकते हैं? x⁻¹। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यदि मैं कहता हूँ 1 / x+1, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल। यदि मैं कहता हूँ 3x³ - √x+1, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दीज आर नॉट द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव में क्यों कह रहा हूँ? पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव में डिफरेंस है। पॉजिटिव का में जीरो नहीं आता है, जबकि नॉन नेगेटिव में जीरो एंड पॉजिटिव दोनों आता है। हाँ, पावर जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बट पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हमने लिया लास्ट एग्जाम्पल, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स का मतलब है x⁻¹। तो x⁻¹ मतलब पावर इंटीजर नहीं है बल्कि फ्रैक्शन में। तो जब भी पावर फ्रैक्शन में है या पावर नेगेटिव है, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लोग पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के बारे में बात किए। अब हम बात करते हैं जीरोज के बारे में। हमने क्लास 9th में पढ़ा था, यदि आपके पास कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल, और उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। यदि आपके पास एक पॉलिनोमियल ऐसा है 3x+1, या आपके पास पॉलिनोमियल है 2x+3, इस तरह का जो पॉलिनोमियल होता है इसका डिग्री 1 है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यदि आपके पास एक पॉलिनोमियल 2x² + x+1 है, या आपके पास एक पॉलिनोमियल 3x² - 1 है, ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री क्या है? 2। तो जिसका डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसका डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। यदि मैं कहता हूँ x³ - x² + 1, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है। यदि मैं कहता हूँ 2 + 3x - x³, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। ये सभी क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को देखना है, और यहाँ पे हम ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, इसलिए 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल हमने नहीं लिया है। यदि इसी तरह से मैं कहता हूँ x⁴ - x³ + 2, ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये बाईक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाईक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आरी बात सुन, तो पॉलिनोमियल के डिग्री को देख करके, पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को देख करके हम पता कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा है।
लीनियर पॉलीनोमियल हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था बहुत डिटेल में, और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे हमने, तो ये हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल, इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, एंड बाई क्वाड्रेटिक भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट सबसे ज़्यादा डिटेल में हम क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक को पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। बट उसके पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि किसी भी पॉलीनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं और उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आप देखिए, हमने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ पे हमने दो तरह के ग्राफ बनाने सीखे थे। अब देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। यदि आपके पास एक पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन है, अब इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। इस तरह से ये जो हमने px इक्वल टू x माइनस वन लिया था, इस तरह से हम किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल को ले सकते हैं और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो कैसा बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलीनोमियल। यदि आप y इक्वल टू x माइनस वन का ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि इसके लिए हमें एक टेबल बनाना चाहिए जिसमें x की जगह पर अपनी मर्जी से कोई भी तीन न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग y फाइंड करना है, फिर उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। यदि मैं x की जगह पे 1 लेता हूँ तो y की जगह पे 0 आता है, पुट करिए x इक्वल टू 1, x को 2 लेता हूँ तो y 1 आता है, x को 3 लेता हूँ तो y 2 आता है। अब यदि हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो ये कैसा बनेगा, देखो यदि हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ, आप ग्राफ पे इसको एग्जैक्ट देख सकते हो, मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ। अब देखिए, एक पॉइंट है 1,0, सो 1,0 एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है, दिस द पॉइंट 1,0। सेकेंड पॉइंट आ रहा है 2,1, एक्स का 2 वाई का 1, यहाँ पे कहीं पे आएगा, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ मैं, देखिए एक्स का 2 वाई का 1 लिया है। तीसरा एक्स का 3 एंड वाई का 2, ये देखो एक्स का 3 लिया हमने, ये देखो 3, एक्स का 3 एंड वाई का 2 ये लिया हमने, ये क्या बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यदि आप इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जितने भी लीनियर पॉलीनोमियल होते हैं उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है, जितने भी लीनियर पॉलीनोमियल होते हैं उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, एंड स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो पॉलीनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो हमने पढ़ा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो, हालांकि हमें पहले से पता था, इस क्वेश्चन में हमें पहले से पता था कि ये एक लीनियर पॉलीनोमियल है और इसमें एक जीरो होगा, कैसे फाइंड करेंगे इसको, जीरो से इक्वेट करें, एक्स की वैल्यू 1 आएगी। बट कई बार क्वेश्चन में ये पॉलीनोमियल नहीं दिया हुआ है बल्कि सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है और कहा जा रहा है इस ग्राफ को देख करके बताओ इसमें कितने जीरो हैं, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरो हैं 1 है। ग्राफ एक्स एक्सिस को, डेफिनेशन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो, एक ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट या टच करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। तो जितने भी लीनियर पॉलीनोमियल होंगे, आप लीनियर का ग्राफ आप कैसा ही बनाओगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो हमेशा 1 होगा। बट एक और बात यहाँ पर सामने आती है, यदि कोई स्टूडेंट कहे कि आप एक बात बताइए, यदि आपने स्ट्रेट लाइन ऐसा बना दिया तब क्या होगा, ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट ही नहीं करेगा, हाउ मेनी जीरो इन दिस पॉलीनोमियल, 0, इसमें कोई जीरो नहीं है, नंबर ऑफ जीरो कितना है, 0, क्यों, क्योंकि इसका जो आप ग्राफ बनाओगे ये ग्राफ वाई इज इक्वल टू ए होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का पैरेलल है और वाई एक्स को इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए, इसमें एक्स आ ही नहीं रहा है, वाई इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0। अब देखिए ये पॉलीनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 0, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या है, 0, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या है, 1। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि लीनियर पॉलीनोमियल में नंबर ऑफ जीरो 1 होता है, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है। यदि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, यदि मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ, आपके पास एक पॉलीनोमियल है, मान लो
मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक पॉलिनोमियल आपके पास इस तरह का है। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, पहले से पता है कि इसमें दो जीरो होते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनता है, मैं यदि इसके ग्राफ को बनाने की कोशिश करूँ, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट आप इस बात को समझिए, आपको नंबर ऑफ जीरो के बारे में बात कर रहा हूँ, और इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं कि सीधा ग्राफ दिया होता है और आपको नंबर ऑफ जीरो बताना होता है। अब यदि आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ये कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब वो लीनियर पॉलीनोमियल होता है। मैं यहाँ पे x की तीन वैल्यू लेता हूँ, आप देखिए, यदि आप x को जीरो लोगे तो x को जीरो लिया तो y कितना आ गया, 2। ध्यान से देखिए, x को वन लेते हो तो 1 + 2 = 3 और -3 जीरो आता है। x को 2 लेते हो क्या बनता है, देखिए 2² = 4 एंड 4 + 2 = 6 एंड -6 = 4 एंड ठीक है 4 एंड प्लस ठीक है ये आ गया 0। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आगे देखो, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो जब भी आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहे हो तो तीन वैल्यू से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई, x ये ग्राफ 1, 0 से भी जा रहा है एंड ये ग्राफ 2, 0 से भी जा रहा है, तो कैसा बनेगा ग्राफ। तो अब देखिए 1.5 में क्या होगा, यदि मैं 1.5 लेता हूँ तो ये ग्राफ कहाँ बने, 3/2 1.5 होल स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर। अब देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये बन रहा है 2.25 एंड ये बन रहा है तो ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका जो अप्रोक्सीमेट ग्राफ आप बनाओगे, ये 0, 2 भी एक पॉइंट है, इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। देखिए ये ग्राफ कैसा बन रहा है, ये एक पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है इस तरह का। यदि आप बहुत सारी वैल्यू लोगे तो आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, ये एक पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है। जनरली क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है। अब वो पैराबोला कई तरह का पैराबोला हो सकता है, ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला हो सकता है, ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है, ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पे टच करता हुआ चला जाए, ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट पे टच करता हुआ नीचे की तरफ आ जाए, एक पॉइंट पे टच करता हुआ, ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से निकल जाए, ये पैराबोला ऐसा भी हो सकता है कि नीचे ही आ जाए, मतलब टच ही ना करे। बहुत सारे हमने ये सभी ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के हैं। इन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को ग्राफ को देख करके यदि नंबर ऑफ जीरो का पता करें, यहाँ पे 2 जीरो हैं क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको मिलेंगे, यहाँ पे भी 1 जीरो है, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है और यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कई तरह का होता है, ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो उसमें 2 जीरो होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होगा, उसमें 1 जीरो भी हो सकता है। अब 1 जीरो कैसा होगा, अब यदि हम इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करते और इसको फैक्टराइज करते तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से 2 फैक्टर आते, एक्स की 2 वैल्यू आ रही है 1 और 2, जबकि यदि मैं पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर -2x + 1 लेता हूँ। अब ये कैसा पॉलीनोमियल, आप देखिए ये x - 1 × x - 1 है, एक्स की कितनी वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, 1। उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 2 जीरो नहीं है यहाँ पे, इक्वल जीरो है, दोनों इक्वल है, एक ही जीरो हुआ ना, एक जीरो क्या हुआ, 1 हुआ, इसका इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। सो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में नंबर ऑफ जीरो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हो द नंबर ऑफ जीरो इन अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज एट मोस्ट 2। नंबर ऑफ जीरो इन अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा 2। एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, जबकि लीनियर पॉलीनोमियल में सिर्फ 1 जीरो होता था। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ग्राफ को देख के पता चल रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राफ दिया रहेगा ऐसा, आप देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार
टच या इंटरसेक्ट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरो हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार मिल रहा है, जहां पे मिला वो जीरो हो गया, नहीं मिल रहा है, देखो ये ग्राफ को देखो, सी दिस ग्राफ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा, ये ग्राफ ऊपर ऊपर से निकल गया, ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसमें कोई जीरो हो गया नहीं, नंबर ऑफ जीरो क्या है, जीरो। ऐसे बहुत सारे आपको आप क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि ये नंबर ऑफ जीरो जीरो कैसे होगा, हाँ जीरो होगा बट इमेजिनरी होगा। ऐसे पॉलीनोमियल आपको मिलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यदि आप इस पॉलीनोमियल की बात करोगे, इस पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो इसकी एक्स की जो वैल्यू है इमेजिनरी है, ये रियल वैल्यू नहीं है। आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करने की कोशिश करो, होगा ही नहीं। आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। आरी बस सुन, तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में, ये जितने भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताया, आपको बस एक बात याद रखनी है कि आपको जो भी ग्राफ दिया हुआ है, आप देखिए वो ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। यदि मैं क्यूबिक पॉलीनोमियल की बात करूं, क्यूबिक पॉलीनोमियल कई तरह का होता है, मैं आपको कुछ ग्राफ ऐसे बता रहा हूं, आप उसको बना करके देखोगे आपको पता चलेगा। क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बहुत तरह का ग्राफ बनता है, एक तो ग्राफ मैं ऐसा बनाता हूं, दिस द ग्राफ फॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल, एक ग्राफ ऐसा बन सकता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ये देखो, ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। क्यूबिक पॉलीनोमियल का ग्राफ कई तरह का बनेगा, आप देखिए क्यूबिक पॉलीनोमियल वही बात है, नंबर ऑफ जीरो एटमोस्ट थ्री, ये देखो कितने जीरो है यहाँ पे, थ्री जीरो, हाउ मेनी जीरो इन दिस ग्राफ, थ्री। इसमें कितने हैं, इसमें यदि आप गौर से इस ग्राफ को देखो तो दो है, हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर टच करता हो चला जाए, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा बनेगा तो इसमें एक ही जीरो है, हाउ मेनी जीरो इन दिस, वन। तो नंबर ऑफ जीरो एटमोस्ट थ्री इन क्यूबिक पॉलीनोमियल, इन क्यूबिक पॉलीनोमियल, यहां पे आप नोट कर सकते हो, इन क्यूबिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल नंबर ऑफ जीरोज इज एटमोस्ट थ्री, ज्यादा से ज्यादा थ्री जीरोज होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में ज्यादा से ज्यादा टू जीरोज होंगे, क्यूबिक में ज्यादा से ज्यादा थ्री जीरोज होंगे, या उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको मिलेगा। तो आपके असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें कि ग्राफ को देख करके आपको बताना है ये पॉलीनोमियल कैसा है। क्वेश्चन नंबर 57 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करोगे, जिसमें कि हमें दिया हुआ है कि आप ग्राफ को देख करके बताइए इसमें कितने जीरो हैं। तो ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात थी लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल का, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, हाउ टू फाइंड द जीरोज विदाउट ग्राफ। अब ग्राफ को छोड़ो, ग्राफ हटा दो, अब ग्राफ नहीं है, हाउ टू फाइंड द जीरोज, टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, किसी पॉलीनोमियल का जीरो को हम कैसे फाइंड करेंगे। अब किसी पॉलीनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लीनियर पॉलीनोमियल की बात करते हैं। यदि हमारे पास एक पॉलीनोमियल लीनियर पॉलीनोमियल, हमने क्लास नाइन्थ में इसका जीरो फाइंड करना सीखा था, यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, ये ए एक्स प्लस बी होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड लीनियर पॉलीनोमियल। अब यदि इसका आप जीरो फाइंड करो, इसका मतलब क्या करोगे, आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई, इसका मतलब इस लीनियर पॉलीनोमियल का जो जीरो है वो माइनस बी बाई है। तो जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाई द कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो आप इस तरह से किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल का जीरो फाइंड कर सकते हो, ये उसका फॉर्मूला भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स। ये तो लीनियर पॉलीनोमियल की बात थी, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल। यदि मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ, ये आप नाइन्थ में पढ़ चुके हो, इसमें बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमारे सिलेबस में टेंथ क्लास में जो पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के बारे में।
अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो ये पॉलीनोमियल कुछ ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलीनोमियल कुछ ऐसा होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म है। अब यदि इसको सॉल्व करके इसका जीरो फाइंड करें तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये आपको देखना है। हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, इसके लिए हमें क्लास नाइन्थ में चलना पड़ेगा। एंड क्लास नाइन्थ के फैक्टराइजेशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से स्प्लिट करके आप ऐसा बनाओगे, ये कुछ ऐसा बनेगा। जब भी आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको लिखोगे ये x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा बन जाएगा। आप यदि इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो आपको दो फैक्टर ऑलवेज मिलेंगे। हो सकता है ये दोनों फैक्टर सेम भी हों, बट ज़्यादातर केसेस में ये दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आपको मिलेंगे। यदि आपने इसको प्राइम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर दिया तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो अल्फा एंड बीटा आएगी, ये दो जीरोज हो गए। सो हाउ मेनी जीरोज इन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, टू जीरोज। जनरली टू जीरोज होते हैं, वन भी हो सकता है, कोई जीरो नहीं भी हो सकता, बट जनरली एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में टू जीरोज होंगे अल्फा एंड बीटा। अब ये जो अल्फा एंड बीटा है ये इसके साथ कैसे रिलेटेड है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब एक एग्जांपल को आप ध्यान से समझिए, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू रिलेट द कोएफिशिएंट एंड द जीरोज। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल है। दिस इज द पॉलीनोमियल, ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल है। अब इस पॉलीनोमियल में आप देखिए, यदि हम इसका जीरो यहाँ पे रफ में फाइंड करें, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, यदि आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स, यदि आप यहाँ पे एक्स कॉमन लेते हो एक्स माइनस टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू, ये दो फैक्टर आपको मिलता है एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। इसका मतलब इस पॉलीनोमियल के दो जीरोज हैं, इस पॉलीनोमियल के दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज इक्वल टू टू है एंड बीटा इज इक्वल टू थ्री है, ये हमने रफ में फाइंड किया है। अब आप ये बताइए कि यदि अल्फा एंड बीटा ये दोनों पता हो सो हाउ टू मेक द पॉलीनोमियल। यदि अल्फा एंड बीटा दोनों पता है तो पॉलीनोमियल बना कैसे, आप देखिए ध्यान से इस बात को समझिए, ये पॉलीनोमियल बना कैसे, हाउ टू मेक द पॉलीनोमियल। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा, देखिए पुट करिए अल्फा और बीटा के लिए, यहाँ पुट करिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया टू प्लस थ्री फाइव, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सिक्स, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स हो गया। तो आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, सबसे पहले हाउ टू फाइंड द जीरो, सेकेंड थिंग इफ जीरोज आर गिवन हाउ टू फाइंड द पॉलीनोमियल। आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन हाउ टू फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो आप क्या करोगे, आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया इस कॉन्सेप्ट से जीरोज फाइंड करोगे। सेकेंड थिंग, यदि आपको पूछा जाए इफ जीरोज आर गिवन, आप ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ, अब आप देखो सिर्फ इस पार्ट को, इफ जीरोज आर गिवन हाउ टू फाइंड द पॉलीनोमियल, तो ये पॉलीनोमियल बन गया। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि हाउ टू रिलेट दिस जीरो विद द कोएफिशिएंट। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आ रही है, यदि आप इसको और इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा देख रहे हो, अल्फा प्लस बीटा कितना है फाइव, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है देख रहे हो माइनस फाइव। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज माइनस बी, ध्यान से समझिए, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी। देख रहे हो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है, सिक्स के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है माइनस बी के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि ये जो कोफिशेंट है ये वन लिया था हमने,
यदि मैं इस वन की जगह पे कुछ और कोफिशियंट लेता तो ये बन जाता माइनस बी बाई ए और ये बन जाता सी बाई। ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको भी बताऊंगा। आप देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, दिस इज द वेरी इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो विद द कोफिशियंट। अब ये माइनस बी बाई ए क्या है, व्हाट इज माइनस बी बाई ए, ये माइनस बी बाई ए क्या कह रहा है, ये कह रहा है माइनस कोफिशियंट ऑफ ये ए और ये बी और ये सी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये सी बाई ए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कह रहा है। सो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अभी इस बात को हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें ये सम एंड प्रोडक्ट क्या कहना चाहता है। आपको एक फार्मूला मिला, इफ वी हैव अ पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस यहाँ पर दो जीरो होते हैं अल्फा एंड बीटा, और इन दोनों जीरो को हम रिलेट करें कोफिशिएंट को, ये माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय होता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। यदि आपके पास एक पॉलीनोमियल है, इस तरह का, मैं एक एग्जांपल यहाँ से लेता हूँ, हमारे पास एक पॉलीनोमियल है टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। मैंने आपके असाइनमेंट से एक पॉलीनोमियल लिया है। अब इस पॉलीनोमियल में सबसे पहले हमें जीरो फाइंड करना है, फिर इस फार्मूले से हमें ये बात चेक करके बताना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यदि कर रहा है तो सही है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसमें लगाएंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। हमने 5x को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है, फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज कर लिया, तो ये बन गया x प्लस टू एंड मल्टीप्लाई थ्री एक्स माइनस वन। अब यदि आप x प्लस टू को जीरो से इक्वेट करोगे, तो माइनस टू आएगा, एंड थ्री एक्स माइनस वन को जीरो से इक्वेट करोगे तो ये वन बाई थ्री आएगा। इसको जीरो से इक्वेट करिए, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री, वी गॉट अल्फा एंड बीटा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था टू फाइंड द जीरो। सेकेंड पार्ट है इस जीरो को कोफिशियंट के साथ रिलेट करके बताओ। अब बताते हैं, ये देखो कोफिशियंट है, कोफिशियंट आपका क्या है, कोफिशियंट है ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू फाइव एंड सी इज इक्वल टू माइनस टू, ये आपका कोफिशियंट है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, माइनस टू प्लस वन बाय थ्री, सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है हमें, एलसीएम लीजिए यहाँ पे, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव बाय थ्री। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, इस फाइव का मतलब क्या, यहाँ से देखिए फाइव का मतलब क्या है बी, और ये थ्री का मतलब क्या है ए, तो आपने देखा अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, माइनस बी बाई ए। उसी तरह प्रोडक्ट में आते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस टू मल्टीप्लाई वन बाई थ्री, सो अल्फा इंटू बीटा क्या बन रहा है, माइनस टू बाई थ्री। अब जरा देखिए इसको क्या बन रहा है, माइनस टू कहाँ पर है, सी में, और ए कहाँ है, थ्री में, तो ये क्या हो गया, सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या मिला, सी बाई ए। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में आपसे पूछा जाता है, टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले जीरो फाइंड करिए एंड फिर जीरोज एंड कोफिशिएंट को रिलेट करिए। तो ये पूरा का पूरा मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर वन पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में डिटेल में। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन डिटेल, बट आपको क्वेश्चन नंबर वन एंड इसके पहले मैंने क्वेश्चन 57 कहा था आपको, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं एक ग्राफिकल मेथड कहा था मैंने कि ग्राफ को देख करके आप बताइए, 57 है।
ग्राफ को देख करके बताइए इसमें कितने जीरो हैं। ये दो क्वेश्चन आप जरूर कंप्लीट करिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9476080120 पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में।